हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा टीच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप पोटैटो की फेस स्क्रब, फेस पैक और फेस क्लींजर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक पोटैटो, और अभी जो नया सीजन है ना, तो इसलिए पोटैटो में बहुत गंदगी होती है गाइस, तो इसलिए अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि फेस के साथ कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हमें इसे पीसेस पे कर लेना है। तो गाइस इसे पीसेस में करने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है, और अभी नेक्स्ट हमें इसे पेस्ट कर लेना है। गाइस पेस्ट करने के बाद आप छकनी की मदद से या फिर एक सूती का कपड़े की मदद से इसकी रस को निकाल लीजिए। तो हमारा स्टेप वन है पोटैटो क्लींजर। क्लींजर के लिए हमें लेना है थोड़ा सा फ्रेश दही, और यहाँ पे मैं लूँगी 2 चम्मच आलू की रस। तो इससे जो हमारे चेहरे की काला दाग धब्बा होता है या फिर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है या फिर डार्क स्पॉट होती है गाइस, वो सारे चले जाएंगे, क्योंकि आलू से काला दाग तो चेहरे की ऑब्वियसली जाती ही जाती है। तो हमारा क्लींजर बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसे आपके साथ अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। इसे हमें कॉटन की मदद से लगानी है। कॉटन की मदद से बहुत ही आसानी से लग जाएगी। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, जहाँ पे चेहरे की काले दाग धब्बा हो उस जगह पे अच्छे से लगाना है। और गाइस मैं आपको छोटा सा एक स्टेप बतानी चाहूँगी, अगर शरीर पे कहीं पे जल जाए, तो साथ साथ में अगर आप आलू की रस लगा दें, तो वो काला जो एक दाग बैठ जाते हैं ना जलने की, वो चली जाती है। तो ऑब्वियसली ट्राई करके देखिएगा। यस, तो अच्छे से फेस पे लगाने के बाद इसे बस 2 से 3 मिनट रख के अच्छे से फेस को बस ठंडे पानी की मदद से वॉश कर लेना है हमें। गाइस हमारे स्टेप 2 है पोटैटो फेस स्क्रब। स्क्रब के लिए हमें चाहिए राइस पाउडर, तो और बचा हुआ पोटैटो का रस और आलू का पेस्ट। गाइस इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है, इसे स्क्रबिंग करना है, तो इसमें ज़्यादा पानी पानी नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही हमें अच्छे से मिला लेना है। ये थोड़ा टाइटली होगी तो ही अच्छा है। हमारा स्क्रब बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। गाइस इसे अच्छे से नाकों के सामने रगड़ रगड़ के लगाइएगा, जिसका नाक पे काली काली छेद होती है, और जहाँ पे काला दाग होती है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये आप पूरे फेस पे लगाइए, ये फेस की गंदगी, ये फेस स्क्रब की काम करेगी, क्योंकि राइस पाउडर से फेस स्क्रबिंग बहुत ही अच्छी होती है गाइस, और ये बिल्कुल कम खर्चा में होती है। और हम जो बाहर की प्रोडक्ट ज़्यादा दाम से खरीदते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको प्रूफ मिलेगी, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, स्किन पे कोई भी खराबी नहीं होगी कि स्किन क्या होगा पता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत ही आप ऑयली स्किन, ड्राई स्किन कोई भी लगा सकता है, बस अच्छे से उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर करना चाहिए। हम जब भी फेस वॉश करते मॉइस्चराइजर करती है, स्क्रबिंग के टाइम फेस को अच्छे से मसाज करेंगे तो अच्छा होती है, या फिर आप जब भी फेस वॉश करें या फेस मसाज करें अच्छे से फेस को, तभी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगी और फेस में ग्लो आएगी, और आपकी फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और ग्लासी स्किन हो जाएगी। तो ग्लासी स्किन के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए तो पोटैटो बहुत ही अच्छी है। फेस स्क्रबिंग की 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। हमारी स्टेप 3 है पोटैटो फेस पैक। तो इसके लिए हमें लेना है जो पोटैटो का पेस्ट था ना, उसको मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है, एंड 2 चम्मच पोटैटो का रस और टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, इसे मिला के अच्छे से इसकी अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो गाइस चेहरे पे निखार आएगी, हल्दी लगाने से चेहरे में ऐसे भी बहुत ही अच्छा है। गाइस हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है, अभी मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। फाइनली गाइस हमारी अभी जो फेस पैक है ये आयुर्वेदिक बन गई है, क्योंकि आपको पता है हल्दी में आयुर्वेदिक तत्व होता है और पोटैटो में बहुत सारी गुण होती है जो हमारी फेस की सारी प्रॉब्लम को दूर करती है, और स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और बिल्कुल सारी स्किन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगी। इस होममेड नुस्खे को आप महीने में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए।